माजी में क्या किया है, मैंने कोई कत्ल किया है, किसी को पीएसए में बंद किया है, कोई इलेक्शन की चोरी की है 1987 में, बताए ना माजी में क्या किया है। मैंने 2.5 साल मेन स्ट्रीम में किया। अब अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान देखूं तो लगता है कि जितना भी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में वो मेरी वजह से है या मेरे वालद मोहतरम की वजह से है, लेकिन 28 साल पार्लियामेंट मेंबर इनके वहां रहे, 32 साल हुकूमत लड़ने की, मिलके ये 60 साल हो गए हैं। ये 60 साल का जवाब तो देना पड़ेगा। 7 साल में लोग मरे हैं, यहां हर गांव में कब्रिस्तान है। 60 साल में हजारों लोग पीएसए में अंदर गए, कहीं कोई ने 20-25 साल के बाद छोड़े जेल से छूटे, उनका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा क्या जवाब? ये देंगे मेरे से क्यों सवाल पूछ रहे? मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैंने अच्छे ही काम किए हैं। हम पर ये गुना है कि भाई हमने जो है जो सोशल वेलफेयर 200 रुपया देते थे वो हमने 1000 रुपया कर दिया है। अब वो मेरी गलती है, वैसी गलतियां मैंने बहुत की है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे फादर पॉलिटिकल थे हमेशा, राइट, वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे, इसीलिए आप देखेंगे कि मतलब इलेक्शन पहले लड़ते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। जब 87 की रिगिंग हुई उनको बंद किया गया, फिर उन्होंने इलेक्शन को खैर बात बोल, इसीलिए हमारे किसी भी इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा में आप उनका फोटो नहीं देखेंगे, क्योंकि जब वो इस दुनिया से गए वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे, हम उनकी उस मेमोरी का रेस्पेक्ट करते हैं। मैं सजाद लोन हूँ, मैंने पहले दिन से ही मेरी प्रोक्लिविटी जो थी, मेरी टेंडेंसी टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, ठीक है ना। गन जो है 1987 में आया, रिगिंग के बाद आया, और तकरीबन 50 तंजीमें थी। एट द एंड ऑफ द डे नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 70-80 साल यहाँ की पॉलिटिक्स पर छाई हुई है, उन्होंने इक्तदार का सबसे ज्यादा जो है उन्होंने टाइम गुजारा है, बड़े बड़े अकॉर्ड्स उन्होंने साइन किए हैं, जवाबदेही उनकी है, वो हमसे जवाब ना पूछे। अब यह है कि जन्नत का सर्टिफिकेट ना हमने कभी बांटा है ना हम बांटते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह के लिए है। तो बाकी मैं ए टीम हूं ना मैं बी टीम हूं, मैं कश्मीरी टीम हूं, मैं कश्मीरी हूं। कश्मीरी देखिए, यहां पिछले 30 साल में हजारों लोग मर गए, जेल गए, जालिम और मजलूम दो थे। मैं अपने आप को मजलूम मानता हूं, मैं जेल गया, मैंने इंट्रोगेशन खाया, यहां हजारों लोग हैं जो कब्रों में, ये सब वो हैं जिन पर जुल्म किया गया। मैं उमर अब्दुल्ला से पूछने वाला कर चाहता हूं, वो जुल्म करने वालों में था या कि उस पर जुल्म हुआ? वो जेल गया, इंट्रोगेशन लिया, जब हम जेलों में सड़ रहे थे, वो तो फॉरेन मिनिस्टर था बीजेपी का, वो तो वाजपेयी साहब का फॉरेन मिनिस्टर था, तब तो वो बात नहीं किसी को करने देता था, और जो जो फॉरेन डिग्निटरी आती थी तब वो जाके उनको बोलता था वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, सब ठीक है। मेरे सामने खड़ा हो, मैं क्या कर सकता था एज एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर? मैं कौन सा बड़ा उतना तोप था कि मैं कोई होम मिनिस्ट्री का डिसीजन लेता? मैं तो कुछ नहीं कर सकता था, ये तो फॉरेन मिनिस्टर था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर था, फादर इसका चीफ मिनिस्टर था, दे हैव टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी मैं कश्मीरी टीम हूं। हाँ, और एक और चीज बताओ, मैं डंके की चोट पर जब जाऊंगा इंशाल्लाह पार्लियामेंट, अगर अल्लाह ताला ने चाहा और उसके बाद लोगों ने चाहा, वहां जाऊंगा, मैं लोगों की बात करूंगा, मैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की बात करूंगा, मैं डिले इन पासपोर्ट्स की बात करूंगा, मैं जो हजारों लोग जेलों में हैं उनकी बात करूंगा, डेवलपमेंट की बात करूंगा। लेकिन मुझे ये बताएं, 5 साल ये थे, एक मरतबा जब उनने बात की हो कि लोग जेलों में हैं, एक मरतबा उनने बात की हो कि अगर गुजरात के बच्चों को, तमिलनाडु के बच्चों को कोई सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन, तो कश्मीरी बच्चों को क्यों? तो गए किस लिए थे, कर क्या रहे थे वहां? सिर्फ अपने केसेस का वो एडवॉट कर रहे थे कि जरा अगर हमने क्रिकेट में चोरी की है हमको अंदर मत करो। We will not use Parliament to get, some sort of leeway for our crimes. हमने कोई क्राइम किया ही नहीं है, हमारे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज ही नहीं है, और दिन में जो है बयान देते हैं और रात के अंधेरे में वहां उनके साथ बैठे हुए होते हैं, वो हम काम नहीं करने वाले। वो एक पोलिटिकल पार्टी है, यहाँ वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, वो हिस्सेदार है यहाँ की पॉलिटिक्स का, लड़े, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सपोर्ट की कोई, ये सब बातें जो है ना, जितना भी आवाम है, आजाद साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, ये सब मीडिया की बातें। और फिर वो उठता है जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो है अपना क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला साहब, वो उठता है, फिर जी वो ए टीम, वो बी टीम, वो सी टीम, देयर आर सो मेनी थिंग्स, हम बात नहीं करते हैं। हमारे गार्डों तो बोलते हैं वो कश्मीरी कौन सा, वो क्या कश्मीरी, व्हाट कश्मीरी, कश्मीरी बोलते हैं, तू नहीं बोलता, किसी कश्मीरी को जानता, तेरा दोस्त कोई कश्मीरी नहीं,
मैं जी बड़ा कश्मीरी, क्या कश्मीरी, हाँ कश्मीरी को खत्म करने में आगे, जेल डालने में आगे, पीएसए लाने में आगे, पोटा लाने में आगे, क्या मैंने लाए, ये किसने लाए, लेट हिम आंसर, ये क्या होता है डाइवर्जन करना, भाई वो ऐसा, चलो जी मैं खराब, मान लिया मैं खराब, चलो आई एग्री, फर्ज करे जी मैं ही खराब, अब वो जवाब दे पीएसए का, अब वो जवाब दे जिनको जेल डाला, अब वो जवाब दे जो उनके टाइम में मरे, अब वो जवाब दे, मेरे खराब होने से उमर साहब अच्छे नहीं होते, किसी के ए टीम या बी टीम होने से वो अच्छे नहीं होते हैं, वो अपने लेट हिम आंसर फॉर हिज ओन डीड्स, अब उनके फादर हैं, आज से कोई 1.5 महीना पहले वो लिटरली सरेंडर कर रहे थे, कश्मीरी कौम को ह्यूमिलेट कर रहे थे, भीख मांग रहे थे इंडिया टुडे के उस टीवी चैनल पर कि जनाब मुझे अगर बुलाएंगे मैं जाऊंगा, मैंने दरवाजे भी खुले रखे हैं, उनको अलाउड है, वो नहीं है ए टीम बी टीम, वाई एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हम इलीट, हम कुछ भी कर सकते हैं, वी डोंट गिव अ डैम, दे आर नो इलीट्स, द पीपल विल डिसाइड इंशाल्लाह।